Hey guys, नमस्ते, मैं हूँ सीमाना और आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सीमाना पर, यानी कि मेरे साथ। और आज हम बनाएंगे फिश फ्राई। फिश फ्राई में भी एक बहुत ही सिंपल सी इजी वाली मसाला फिश फ्राई बनाएंगे, जिसमें कि हम थोड़ी बहुत मसाले का यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से झटपट बन जाएगा। तो ये सबसे बेसिक वाला फिश फ्राई है। और हाँ, ये फिश फ्राई रेसिपी तो है ही, लेकिन अगर आप करी के लिए फिश को फ्राई करना चाहते हैं, फिर उसका करी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये रेसिपी है। यानी कि पहले आप इस तरह से फिश फ्राई कर ले, फिर ग्रेवी में डाल दे और करी बना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राई के लिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स देखिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये ज्यादा तीखा नहीं होता है, लेमन, पिंच ऑफ ऑरेंज और रेड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। इसे डालने से फिश फ्राई का टेक्सचर कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। पसंद है तो एक पिंच ऑफ हींग डालें, पर मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। एंड देन अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने इसको ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन और मैंने इसमें मिर्ची भी डाला है, क्योंकि काश्मीरी लाल भी ज्यादा तीखा नहीं होता है। एंड देन हमारे पास है 1 kg फ्रेश फिश। कलर डाला है मैंने अभी। दो टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट डालूंगी, बीस मिर्ची, 2 चम्मच ऑयल, सरसों का तेल मिल जाए तो क्या बात है। अब चलिए हम इसे मिक्स कर लेंगे, स्क्रब कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारे फिश में अच्छे से अंदर तक मसाले चले जाएं। ठीक है, कहीं से छूटना नहीं चाहिए, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए मसाले रखने के लिए। तो जेंटल मसाला दे दें यहाँ पे। मैं ऑलरेडी मॉइस्चर होता तो पानी ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा तेल डाला है, उसकी वजह से भी अच्छे से एक दूसरे कोटिंग हो गया है। तो ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से कोटिंग हो गए हैं। अब हम इसे ऐसे ढक के 20 मिनट मैरिनेट होने के रख लेंगे। देखिए, मैंने फिश की कोटिंग के लिए कोई बेसन या फिर कोई मैदा या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आटा फ्लोर यूज़ नहीं किया है। ये जो है बहुत ही बेसिक और सबसे सिंपल आसान तरीका है। तो पहले मैं इस तरह से आपको सिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट कभी दूसरे वीडियो में मैं आटा वगैरह बेसन वगैरह भी डाल के कैसे अच्छे से क्रिस्पी फिश फ्राई किया जाता है, वो भी मैं आपको जल्दी ही वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब जो 20 मिनट बाद है, हम एक फ्लैट पैन गर्म करने रख देंगे गैस पे। और ये देखिए, बचा हुआ ऑयल है तकरीबन 2 टेबल स्पून, तो यहाँ पे मैं डालूंगी। हम फिश को डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर फिश हमेशा सैलो फ्राई में बेटर रहता है। बहुत ही कम ऑयल में सैलो फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। फिश जो है मैरिनेट होके बिल्कुल तैयार है, यू कैन सी हियर। तो ऑयल को जो है सबसे पहले कड़क हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे। अब जब फिश डालने का टाइम आएगा तो उसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में कर लेंगे, ठीक है। देन हम ये फिश बारी बारी से डालते हैं, एकदम धक्का मुक्की हिसाब से। फिश को सैलो फ्राई नहीं करना है, इनफ स्पेस देके करना है, क्योंकि फिश को हमें उलटते पलटते वक्त फिश हमारा टूट सकता है। फिश को बहुत ही लो में और बहुत ही हाई फ्लेम में नहीं तल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई करेंगे तो बहुत जल्दी जलने का चांस रहता है, और लो करेंगे तो फिश हमारी थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं होंगी, मसाले सारे बाहर निकल जाएंगे, अच्छे से कुक नहीं होंगी। तो हाई और मीडियम में मेंटेन करते हुए फिश को तलिएगा, ठीक है। अब चलिए, 2 मिनट के बाद फिश को हम उलट देते हैं। गैस का फ्लेम 30 सेकेंड के लिए हाई कर दूंगी, फिर मैं उसको मीडियम में रख दूंगी।
तो एक साइड में 2-3 मिनट कुक करने के बाद दूसरे साइड में पलट दीजिए और दूसरे साइड में भी 2-3 मिनट कुक कीजिए। यानी ओवरऑल इसे कुक होने का टाइम 6-7-8 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। ज़्यादातर फिश बहुत सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट फिश को ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई होने के लिए 7-8 मिनट ही लगते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो गया है, यू कैन सी हियर। देखिए मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में दोनों साइड से फिश कुक हो गई है। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने ये करके दिखाया है। कुक होने के साथ साथ जब लगे कि आपको मसाले जो बाहर के हैं हल्की सी क्रिस्पी हो गए हैं, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। आप देखिए फिश को बहुत ही सावधानी से निकालना है। हम प्लेट में रखेंगे यहाँ। इतना ये जो फिश है जो मैंने अभी लाया वो फिश है बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए इसको भी हम एक बार फिर से गैस का फ्लेम कुछ सेकंड्स के लिए हाई कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, जैसे कि ये धुआं आ रहा है, अब फिर मीडियम या लो में कर देंगे और फिर से हम फिश लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम में रख दिया है हमने, इसको पकने देंगे अच्छे से। देखिए इतना जल्दी कुक हो जाता है ये फिश कि अब मैं 2 मिनट भी नहीं हुए, अब मैं इसे टर्न करती हूँ। नहीं, टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हैं कि दूसरे साइड में कैसा हुआ है टेक्सचर। तो थोड़ा सा और पका लेंगे, अभी थोड़ा समय बाकी है। तो ये जो काले काले थोड़े से स्पॉट दिख रहे हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट फ्राई हमने किया था ना, तो जो मसाले छूट गए थे तेल के अंदर, तो वो थोड़ा सा जल गए हैं, तो इसमें चिपक रहा है इसलिए थोड़ा सा काला डर्ट दिख रहा है। फिश हमारी बिल्कुल भी जली नहीं है। इसे फ्लिप कर देते हैं दूसरे साइड से भी। राइट, ये देखिए ये हमने फ्लिप कर दिया है। ये जो फिश हमारी बिल्कुल कुक हो गई है, तो अब चलिए हम इसे निकाल लेते हैं फटाफट से। सो डेलीशियस टेस्टी टेस्टी इजी रेसिपी वाली फिश फ्राई बनके तैयार है। एज अ लंच और डिनर में, एज अ साइड डिश के रूप में खाए, या फिर आप ऐसे ही बना के भी खा सकते हैं, या फिर एज ए स्टार्टर्स भी आप इसको रख सकते हैं। सो ये वाला जो फिश फ्राई है राइस, सबसे आसान वाला मसाले वाला फिश फ्राई है, यानी कि इसमें हमें थोड़े बहुत मसाले डाल के हमने इसमें फ्राई किया है। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप भी बनाएं खाएं। कैसी लगी आपको फिश फ्राई रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल थी, सारी थी, ज्यादा एफर्ट बिल्कुल नहीं था, बहुत सिंपल सारे तरीके से आपको बताया है मैंने। तो ये जो पहला स्टेज है फिश फ्राई करने का, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। आई होप आपको पसंद आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।